फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट बाइट टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। फर्स्ट बाइट ने कहा था कि तेल देखो और तेल की धार देखो, लेकिन अब इसके आगे भी देखिए। इसी कड़ी में अब प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। साथ ही अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। बीती रात शहर के बड़े पेट्रोल कारोबारी संजय कुमार अग्रवाल के घर पर दबिश दी गई। जैसा कि आशंका थी वहां कोई भी नहीं मिला, लिहाजा पुलिस ने संजय के आलीशान घर को सील कर दिया। शासन और प्रशासन में अच्छी पकड़ रखने वाले संजय के घर को सील करने की कार्रवाई की सूचना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। संजय के पक्ष में शहर के तमाम बड़े कारोबारियों ने एसएसपी से मुलाकात कर घर सील करने का ये कहते हुए विरोध किया कि ये तो एक तरफा ज्यादती है या फिर पुलिस दुश्मनी निकालने पर आमादा है। एसएसपी ने भी मुलाकात कर कारोबारियों को समझा दिया कि साक्ष्य और जरूरी कागजात नष्ट न किए जा सके, इसके लिए घर को सील किया गया है। जैसा ही जांच पूरी हो जाएगी सील खोल दी जाएगी। संजय के अधिवक्ताओं ने सील को गैर कानूनी बताया, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस बीच पुलिस प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थ के काले धंधे पर शिकंजा कसते हुए आज बड़े कारोबारी धनेंद्र जैन के बेटे विशाल जैन के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर गोदाम और टैंकर पर सील लगा दी। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। सभी कार्रवाई की जद में आने से बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तेल के काले धंधे पर चोट की ये कार्रवाई आईजी आलोक सिंह के निर्देश पर 20 अगस्त को की गई थी। पुलिस ने गणपति पेट्रोकैम और पारस केमिकल फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 2,20,000 लीटर मिलावटी तेल बरामद किया था। यहां से 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों की सूचना पर पुलिस ने अगले रोज मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन के अजंता पेट्रोल समेत अन्य पर छापा मारा और जांच के लिए नमूने लेते हुए उन्हें सील कर दिया। हालांकि भारी दबाव के चलते रात 9 बजे ही इन पंपों को खोल दिया गया, लेकिन एक दिन बाद ही राकेश जैन के खिलाफ मिलावटी तेल की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पता चला कि 10 और जगह नकली पेट्रोल बनाने का धंधा जिला आपूर्ति विभाग के संरक्षण में चल रहा था। ये भी बताया गया कि तेल का ये खेल यूं ही चलता रहे, इसलिए 45 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इन पंप मालिकों से लेकर एक अधिकारी तक पहुंचा दी गई, जिसकी आवाज में अधिकारी का पंप संचालकों को खुला संरक्षण प्राप्त हुआ। पुलिस की छापेमारी और सील करने की कार्रवाई का आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन ने ये कहते हुए विरोध किया कि पुलिस का ये काम नहीं है, यानी उपभोक्ताओं के हितों का दायित्व जिन विभाग पर है वो आंख बंद किए रहेंगे और जिला पुलिस को कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग भी हरकत में आ गए। एक सूचना पर रतिराम खूबचंद के ऑयल डिपो पर छापा मारा गया, जहां से रहस्यमय तरीके से 70,000 से ज्यादा ऐसा केरोसिन बरामद हुआ जिसका रिकॉर्ड कंपनी के मालिक संजय कुमार के पास था ही नहीं, जिस पर डिपो को सील कर दिया गया। ये बात दीगर है कि 4 दिन बाद तक पुलिस, ऑयल कंपनी, जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग ये तय नहीं कर पाया था कि ऑयल डिपो की खुदाई आखिर कौन करेगा। विभागीय खींचतान और लापरवाही के चलते जिस दिन लोगों को पुलिस ने मिलावटी तेल समेत गिरफ्तार किया था, उनमें से 4 की जमानत हो चुकी थी। किरकिरी पाते हुए आनंद फानन में उन पर और धाराएं लगाकर उन्हें जेल में रोका गया। बकौल एसएसपी अजय सानी, इन सभी पर गैंगस्टर और रासुका लगाई जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी तक पारस के मालिक राजीव जैन को ही रासुका में निरुद्ध करा दिया गया। नितिन जैन गिरफ्तार है, आशुतोष गोयल की फर्म भी जांच के दायरे में है। मिलावटी तेल बनाने पर गिरफ्तार किए गए लोगों ने आशुतोष गोयल का नाम भी लिखा दिया। आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हो? हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे कि हमको एक जानकारी मिली थी कि हमारे एक व्यवसायी हैं संजय, और उनका रात में आवास सील कर दिया गया था। उस बात को लेकर हम अपने व्यवसायी को प्रोटेस्ट करने के लिए और नियमानुसार अपनी बात रखने के लिए कप्तान साहब के आवास पर आए। नहीं, जो गलत कार्य हो रहा है 3/7 में, कोई काला बाजारी कर रहा है, हम उसके समर्थक नहीं है। उसको जो दंड दिया जाए उस नियम के तहत दिया जाए। हमारी संवेदनाएं केवल उनके आवास से हैं जो रात को 3 बजे सील किया गया। नहीं, आपको क्या लगता है कि
पूरी वजह से व्यापारी को लगातार 5 दिन का 4 दिन का जो समय दिया जा रहा है और लगातार देख रहे हैं, अगर इस तरीके का है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। इसमें व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं, नहीं, हमारा ये कहना है, बात आपका ठीक है, तर्कपूर्ण है। अबे हमें किस माध्यम से सूचना मिली है उसी माध्यम से हम सूचना देंगे कि वो आए और इसमें सहयोग करें। भाई अगर हम सही हैं, हमारे को अपने सारे एविडेंस प्रस्तुत करने चाहिए, सील लगाने की नौबत ही क्यों आए? नहीं, ये बात आपका ठीक है। भाई कारण क्या है कि मेरे पे ज्यादा विषय की जानकारी नहीं थी, सुबह जिनके माध्यम से मुझे घर आवास सील होने की जानकारी आई है उन्हीं के माध्यम से मैं उनको आगे कहूंगा कि भाई आप इसको आए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हालांकि उनके एडवोकेट उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस संबंध में सभी विभावकों को उपलब्ध करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दिल्ली रोड पर जगन्नाथपुरी में तेल के बड़े कारोबारी धीरेंद्र जैन के बेटे विशाल जैन के गोदाम पर भी छापा मारा। यहां गोदाम और टैंकर को सील कर दिया गया, रिकॉर्ड तलब किया गया। धीरेंद्र जैन भी तेल कारोबारी के रूप में एक बड़ा और चर्चित नाम है। जहां तक बात संजय कुमार की है तो वो मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव हैं और संजय की आला अफसरों और राजनीतिक गलियारों में खासी पकड़ है। जहां तक पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़े इस मामले का सवाल है तो यहां फिलहाल दो मामले चल रहे हैं, एक मिलावटी पेट्रोल और संजय से जुड़ा दूसरा मामला अवैध रूप से केरोसिन तेल का भंडारण करना है। बीती रात संजय कुमार के शंभू नगर स्थित आवास पर पुलिस ने दबिश दी, वहां कोई नहीं मिला, जिस पर रात 3 बजे कोठी को पुलिस ने सील कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए शहर के तमाम बड़े कारोबारी आज सुबह अलेक्जेंडर क्लब में इकट्ठा हुए और SSP से आवास पर मिले। कारोबारियों की संख्या करीब 50 थी लेकिन SSP सिर्फ 5 लोगों से ही मिले, जिनमें संजय के अधिवक्ता राम कुमार शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, कमल ठाकुर, डॉक्टर अनुज रस्तोगी आदि प्रमुख रहे। इन लोगों का कहना था कि कार्रवाई को देखकर लग रहा है कि पुलिस जानबूझकर ज्यादती कर रही है, जो उचित नहीं है। इस पर SSP ने उन्हें जो कहा वो बाद में SSP अंजय साहनी ने खुद मीडिया को बताया। आइए देखते हैं क्या कहा SSP अजय साहनी ने। एक रेड की गई थी, उसमें केरोसिन 72,000 लीटर अतिरिक्त बरामद हुआ था, उस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये जो लोग आए थे इनकी ये मांग थी कि जो विवेचना इसमें की जा रही है वो विवेचना निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी व्यापारियों का किसी प्रकार का कहीं समस्या ना हो, उत्पीड़न ना हो, वो उनकी मांग थी, उनकी बात को सुनी गई। परिवार का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से रात को परिवार के महिलाएं अंदर थी और सील लगाई गई? नहीं, ऐसा कोई आरोप उन्होंने महिलाएं अंदर से सील लगाई गई ऐसी मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि मकान पर सील की बात थी, आईओ वहाँ सीन ऑफ क्राइम था, रात का मौका था, बहुत सारे इंडेंसेज लेने थे तो आईओ ने मकान पर सील लगाई थी और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आईओ जब इन्वेस्टिगेशन के पूरे कर लेंगे, नक्शे वगैरह बना लेंगे तो सीन ऑफ क्राइम से वहाँ से उसको हटा देंगे, ये इनको बता। 5-6 दिन हो गए जांच में, अब तक प्रथम दृष्टया क्या आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है और उसी के प्रोसेस में सारी चीजें हो रही है, जैसे कोई और फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोग से। अजय साहनी से मिलकर बाहर आए संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता और अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने कहा क्या, आइए देखिए। उनके परिवार के घर पर 3 बजे उनकी दबिश दी गई थी, संजय जी वहाँ नहीं मिले, उसके बाद उनके घर पर सील लगा दी गई थी, उसके विरोध में हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है, उनको नियम कानून की बात बताई गई है, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपने आईओ को, अपने इंस्पेक्टर को बुलाकर इसमें अभी बहुत शीघ्र कार्रवाई कर देंगे। उनके घर की जो सील लगी है उसको उन्होंने माना, कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, उसको ठीक कर लिया जाए। सर, आप व्यापारी से जुड़े हुए हैं, नकली तेल का मामला बहुत दिनों से चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? लगातार नकली तेल मिल रहा है, छापेमारी हो रही है। देखिए, ये जो विषय है नकली तेल का, ये नकली तेल जो की बात आप लोग और हम लोग जो पेपर भी कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है, व्यापारी सब लोग कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, वह नकली तेल का विषय संजय जी के साथ नहीं है। इनके यहाँ मिट्टी का तेल मिला है जो अभी तक का समाचार है, और मिट्टी का तेल में कोई मिलावट नहीं होती, कोई नकली नहीं होता, कम है या ज़्यादा पेपर में क्या है, ये अपना अपनी जमानत की तैयारी कर रहे हैं, जमानत से बाहर आएंगे वो सारा स्पष्ट कर देंगे। पुलिस ने लगाई, प्रशासन ने लगाई, आप वकील हैं उनके, आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या पुलिस की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? दोनों संदर्भ दो हैं, पहले तो ये आप इसका संबंध भेजो कि मेरे जो अगेंस्ट मुकदमा 3 बजे 7 में दर्ज हुआ कि केरोसिन अधिक मात्रा में पाया गया, मुझे एलिगेशन सिर्फ इतना, मैंने उसके संदर्भ में एंटीसिपेटरी बेल माननीय न्यायालय में डाली है, 16 तारीख लगी है, वहाँ से मुझे एंटीसिपेटरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो 16 तारीख को पता चलेगा।
मैं ये हम सब लोग ये जानने आए थे परिवार के लोग और बिग एडवोकेट कि ये सीधी कार्रवाई किस प्रक्रिया के तहत की गई। तो पुलिस का कहना ये है कि क्राइम सीन था, वहाँ पे जांच करने गए थे कि कोई और घटना घटित ना हो या कुछ और चीज़ उसमें ना पाई जाए, इसलिए वो सीन हमने जो है उसको सील किया गया है। हम वहाँ पे पुणे जाके वहाँ पे कुछ चीज़ देखनी है, मैं देखने वाले सील को खोल देंगे, ये उन्होंने कहा है। प्रावधान क्या है क्या नहीं, ये आप उनसे आप पूछिएगा कि वो क्या चीज़ हुआ। इस बीच संजय ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जहां से उन्हें 16 सितंबर की डेट मिली। पुलिस ने बीती रात जिस तरह से हाई प्रोफाइल संजय कुमार अग्रवाल को निशाना बनाया, उससे ये तो जाहिर हो गया कि संपूर्ण कार्रवाई लखनऊ स्तर से ही संचालित हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि संजय के शासन और प्रशासन में खासी दखल होने के कारण अफसर भी दो फाड़ हो गए हैं, एक संजय के पक्ष में तो दूसरा विरोध में। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख को देखते हुए संजय के पक्ष वाले अधिकारी भी तेज हवा को देखते हुए सिर झुकाकर रास्ते से हट गए हैं, यानी अब सारा दारोमदार अदालत के संभावित आदेश पर टिका हुआ है। पुलिस की कोशिश है कि संजय को गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि संजय अग्रिम जमानत का रास्ता तलाश रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ क्यों सील लगाएगी मेरे मकान पे? मैडम पीछे हो जाओ थोड़ा, वीडियो कौन सा प्रावधान है, कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? स्पेशल इसी एक्ट में चले जाइए, वहाँ नहीं लिखा, मेरे पास किताब रखी, सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को बिना आरोपी घोषित हुए मुझ पर क्यों अकेली और जो माफिया लिखा लिख रहे हैं आप लोग, ये भी राइट नहीं है किसी को लिखने का। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि आधी रात को संजय कुमार अग्रवाल के घर पर जो दबिश हुई वो सील अब हट चुकी है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।